हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिवाली ख़त्म हो चुका है और हमारा जो डेकोरेशन था वो भी फाइनली निकालने का टाइम आ चुका है। बट कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि थोड़ा कुछ दिन और रह जाए तो अच्छा लगता है। जैसे कि ये तोरंग, इसे तो मैं कुछ दिन और रखती हूँ, बट हमारे पास ऐसे बहुत चीज़ें रहती है, जैसे कि ये टी लाइट कैंडल का जो वैक्स ख़त्म हो गया रहता है, एंड ये रंगोली तो हम सालों साल यूज़ कर सकते हैं, बट दिए वगैरह ना वो ख़राब हो जाता है। आप नेक्स्ट ईयर तो नया दिए से सजाओगे, बट इन सब चीज़ों का क्या करना है। तो इसीलिए मैं आज का वीडियो इसी रिलेटेड होने वाला है। तो सबसे पहले DIY के लिए मैं यहाँ पे टी लाइट कैंडल के जो होल्डर्स होते हैं ना उसे यूज़ करूँगी, एंड बीच में जो विक है उसे निकाल दूँगी, एंड उसे कुछ इस तरह से दोनों साइड से मैं फोल्ड करूँगी ताकि ये एक लीफ शेप में आ जाए। इसे अच्छे से सीमलेस करने के लिए हथौड़े से थोड़ा सा आपको टैप करना है, एंड ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैंने सारे कैंडल्स को ना कुछ इस तरह से बना दिया है। नेक्स्ट मैं इसे स्प्रे पेंट कर दूंगी गोल्डन कलर से। ये मैं बाहर में की थी इसलिए मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगी, एंड जब तक वो ड्राई हो रहा है यहाँ पे मैं कार्डबोर्ड लूंगी एंड इसे राउंड शेप में राउंडर के मदद से मार्क कर दूंगी। ये एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट DIY है, इसीलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कार्डबोर्ड एंड वेस्ट मटेरियल ही यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके के कार्डबोर्ड आपको बहुत सारे दिवाली के गिफ्ट्स में मिले होंगे, तो हम इसे ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सर्कल साइज में कार्ड दिया है, एंड दो यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि कार्डबोर्ड का जो विड्थ होता है वो कम होता है, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के साथ स्टिक कर दूंगी ताकि वो थोड़ा सा मोटा हो जाए। एंड उसके बाद मैं न्यूज़पेपर से इसे साइड के एजेस में कुछ इस तरह से स्टिक कर दूंगी, क्योंकि अगेन कार्डबोर्ड के साइड में जो गैप होता है वो दिखता नहीं है, एंड उसे कवर करने के लिए आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके ऊपर आप वाइट पुट्टी लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे वाइट पुट्टी नहीं मिक्स मीडिया पेस्ट लगाया है जो मैं इत्सी बित्सी से मंगवाई थी। सारे प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे पेस्ट को मैंने कुछ इस तरह से पूरे अच्छे से रिंग में लगा दिया है। जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर से इसे पेंट कर दूंगी। यहाँ पे मैंने रेड कलर यूज़ किया है, बट अगर आप फूशिया पिंक कलर यूज़ करेंगे ना वो भी बहुत प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे पेंट भी सूख गया है और हमारे जो लीव्स को मैंने गोल्डन कलर से स्प्रे पेंट किया था वो भी ड्राई हो गया है। अभी मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे स्टिक करूँगी। इसे स्टिक करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग ग्लू का इस्तेमाल करें, यहाँ पे मैं फेविबॉन्ड यूज़ कर रही हूँ। तो लीफ को मैंने कुछ इस तरह से स्टिक कर दिया है। इसमें और थोड़ा सा लुक एनहेंस करने के लिए यहाँ पे मिरर्स लगाऊंगी, तो मैंने राउंड मिरर्स का यूज़ किया है, छोटे बड़े करके मैं इस तरह से इसे सेट कर दूंगी। देखिए, ये देख के लग रहा है कि पूरा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग DIY। कैंडल्स के जो कवर्स है उसे फेंकने के जगह इसे आप पेंट करके कुछ DIY करके अपने घर में सजा सकते हैं। ये DIY कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए अब हम अपने सेकेंड DIY की तरफ चलते हैं, एंड यहाँ पे मैं दिए को यूज़ करूँगी। एंड पहले DIY में जो मैंने कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया था, अगेन मैं यहाँ पे उसी का ही यूज़ करूँगी। तो कोई भी चीज़ को मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए ये DIY मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड ऑल्सो गाइज, आप दिए को ना गमले में भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार हम गमले के बॉटम में डालते हैं ना, खपरा वगैरह डालते हैं ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ मिट्टी बाहर ना जाए, तो वहाँ पे आप दिए को यूज़ कर सकते हैं या फिर पेंट करके मंदिर में भी सजा सकते हैं। मैं
मैं तो यहाँ पे एक डिफरेंट आइडिया शेयर कर रही हूँ, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप उसे गमले में या फिर मंदिर में सजा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली एक मोर बना रही हूँ, तो मैंने मोर का गला एंड चोंच बना दिया है एंड पीछे के लिए मैंने यहाँ पे राउंड कट कर दिया है। जैसे मैं पहले DIY में दिखाई थी कि बॉर्डर को सील करने के लिए न्यूज़पेपर को अच्छे से स्टिक कर दें एंड उसके बाद मिक्स मीडिया पेस्ट को इसके ऊपर लगा दें ताकि ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाए, क्योंकि कार्डबोर्ड का डायमीटर बहुत ही पतला होता है एंड आप जो भी DIY करेंगे वो एकदम स्ट्रेट नहीं होगा, इसीलिए इस तरीके का प्रोसेस यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट, जब तक वो ड्राई हो रहा है मैं यहाँ पे दिए को और बाकी मोर वगैरह को भी पेंट कर दूंगी। पेंट करने के लिए मैंने सारा एक्रेलिक कलर ही यूज किया है। अब हमको इसे स्टिक करना ज़रूरी था, तो स्टिक करने के लिए यहाँ पे मैं क्ले का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास वाइट पुट्टी होगा तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि क्ले था एंड क्ले बहुत इजीली ड्राई हो जाता है इसलिए मैंने क्ले का इस्तेमाल किया है एंड कुछ इस तरह से मैंने इसे स्टिक कर दिया है। तो मोर का यहाँ पे पंख भी हो गया एंड चोंच भी लग गया है। अब थोड़ा सा डिटेलिंग का टाइम है तो मेरे पास जो थे इसे ही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी फेल्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं, ये कलरफुल यूज़ करके भी इसे सजा सकते हैं। तो ये जब मैं डिटेलिंग कर रही थी ना, मेरे साथ एक बड़ा सा ब्लंडर हो गया। मेरे पास बहुत सारे स्टोन्स और मोती थे, उसका डब्बा ही फ्लिप हो गया एंड सारे मेरे रूम में फैल गए। इसीलिए मैं इस DIY में और थोड़ा सा भी डिटेलिंग नहीं कर पाई क्योंकि उसे मेरे को क्लीन करना था। बट ये मेरा सेकेंड DIY कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ लगा के आप अपनी दिवाली के सामान को रीयूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये दो DIY आपको पसंद आया होगा। वीडियो के एंड में दिखाती हूँ कि अब इसके बाद मेरा काम कितना बढ़ गया है। अभी मेरे को बैठ के इन सब को अलग से सेग्रीगेट करना पड़ेगा एंड वापस से बॉक्स में डालना पड़ेगा। सो विश मी लक गाइस एंड इसके साथ मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।